आपके साथ अर्चना रौतेला और आप देख रहे हैं रोक ठोक लेखनी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ सुर्खियों की। ईडी की पूछताछ के बाद बोले जयंत पाटिल, कहा सभी आरोप झूठे हैं, मैंने कोई पैसा नहीं दिया। अनिल देशमुख का बड़ा बयान, कहा जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में नहीं है उन राज्यों में झूठे आरोप लगाकर जांच कराने का उद्योग चल रहा है। अमरावती और बुलढाणा में रफ्तार का कहर, अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत और 17 घायल। सेक्स वर्क पर मुंबई कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा सेक्स वर्क अपराध नहीं लेकिन पब्लिक प्लेस में हो सकता है। कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण बहाल करे कांग्रेस, बोले मौलाना अरशद मदनी। बीएमसी ने भारी वाहनों और बाइकर्स के लिए परेल टीटी ब्रिज को किया बंद। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला, कहा सन की राजा की तरह फैसले ले रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक चुनाव में दिखा असर, बोले शरद पवार। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक 38 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक 45 वर्षीय आदमी को गिरफ्तार किया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।